डोनाल्ड ट्रंप की तगड़ी फटकार के बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा रास्ते पर आ गई है और अब वो इसरो को अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग के लिए तैयार हो गई है। दरअसल हाल ही में उसने ऑर्बिटल डेब्रीज के कारण भारत के साथ सहयोग को रोक दिया था। ये मलबा 27 मार्च को भारत द्वारा एंटी सैटेलाइट परीक्षण के बाद पैदा हुआ था। नासा अध्यक्ष जेम्स ब्रिडेनस्टाइन ने, जिन्होंने पहले भारत के परीक्षण को भयानक करार दिया था, उन्होंने इसरो अध्यक्ष के सिवन को पत्र लिखकर कहा है कि हमारी आपके साथ साझेदारी के तहत हमारा सहयोग बरकरार रहेगा। हम नासा इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स वर्किंग ग्रुप, प्लेनेटरी साइंस वर्किंग ग्रुप, यूएस इंडिया अर्थ साइंस वर्किंग ग्रुप और हेलियो फिजिक्स वर्किंग ग्रुप जैसी चीजों पर काम करते रहेंगे। ब्रिडेनस्टाइन ने कहा कि आखिर उन्होंने अपना निर्णय क्यों बदला है। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस से मिले मार्गदर्शन के आधार पर हम आपके साथ भविष्य में काम करना चाहते हैं। इससे पहले इसरो अध्यक्ष को उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें नासा इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वर्किंग ग्रुप कार्यक्रम के तहत गतिविधियों को रोकने की बात कही थी। अब इस लेटर को देखकर लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नासा को बहुत बड़ी फटकार लगाई है। नासा प्रमुख ने एक टाउन हॉल बैठक में भारत के उपग्रह भेदी मिसाइल परीक्षण की आलोचना की थी क्योंकि इसने अंतरिक्ष में मलबा पैदा किया और इससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को खतरा हो सकता है। हालांकि ब्रिडेनस्टाइन ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतरिक्ष में जमा मलबा अमेरिका के लिए गंभीर मसला है और ये अंतरिक्ष में सक्रिय सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम आपके मलबे की लगातार निगरानी करना जारी रखेंगे ताकि हमारे मानव अंतरिक्ष अभियानों, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इससे पेंटागन ने नासा की झड़की देते हुए कहा था कि वो भारत के प्रति अपने स्टैंड पर कायम है कि भारत का एंटी सैटेलाइट मलबा अंतरिक्ष में अपने आप चल जाएगा। अमेरिका के कार्यकारी रक्षा सचिव पैट्रिक शनाहन ने 28 मार्च को मलबे से होने वाले खतरों को खारिज कर दिया था।